देखिए यहाँ पर हम एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, एक्सपेरिमेंट टू डिमॉन्स्ट्रेट द इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव्स। आवाज़ की मोजों के दरमियान इंटरफेरेंस होता है, आवाज़ की शिद्दत बढ़ती है, घटती है, मैक्सिमा होता है, मिनिमा होता है। इसको समझने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया, वो बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपेरिमेंट है कि एक सिग्नल जनरेटर है, सिग्नल जनरेटर के ज़रिए दो लाउड स्पीकर्स को जोड़ा गया है। सिग्नल जनरेटर सिग्नल दे रहा है लाउड स्पीकर्स को, लाउड स्पीकर से आवाज़ क्रिएट हो रही है, साउंड वेव्स पैदा हो रही हैं। फिर वो साउंड वेव सामने एक बोर्ड पर जाए या सामने कोई समझ ले स्क्रीन है वहाँ पर जाके मुलाकात कर रही हैं दोनों साउंड वेव्स, और उनके दरमियान पे कुछ मकामात पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, कुछ मकामात पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। इज डेट क्लियर? कहीं आवाज़ की शिद्दत सुनने वाले कान को तेज़ सुनाई दे रही है, कहीं कम सुनाई दे रही है, तो ये सारा प्रोसेस कैसे हो रहा है, आइए देखते हैं कि तजर्बा किस तरह इस बात को डिमॉन्स्ट्रेट करता है या एक्सप्लेन करता है। डायग्राम बनानी पड़ेगी इसके अंदर, बनाइए भाई डायग्राम। ये ट्यूनर है, इसको मिटाए नहीं क्या बोर्ड असल में? ये ट्यूनर के साथ दो जो है वो लाउड स्पीकर लगाए जा रहे हैं। मेरे साथ साथ डायग्राम प्लीज ड्रॉ कर लें आप। Yeah.
बना लीजिए सर। क्या हो रहा है ये? छोड़ जवेरी, आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही है। जी देखिए, आपके सामने एक सूरत हाल है, ये देखने में आपको बड़ा अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। हमें डिमोन्स्ट्रेट करना है कि दो डिफरेंट साउंड वेव्स किस तरह सुपरपोज होके इंटरफेरेंस प्रोसेस करती हैं, और कहीं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, कहीं डिस्ट्रक्टिव होता है, कहीं इंटेंसिटी ऑफ साउंड ज़्यादा सुनाई देती है, कहीं इंटेंसिटी ऑफ साउंड कम हो जाती है, इसको फेंट साउंड भी कहते हैं। तो देखें, जहाँ पे मैक्स लिखा हुआ है वहाँ इंटेंसिटी ऑफ साउंड तेज़ है, जहाँ मिन लिखा हुआ है मिनिमा, वहाँ इंटेंसिटी ऑफ साउंड कम हो गई। तो ये मैक्सिमा है, मिनिमा, मैक्सिमा, मिनिमा, इस तरह से ऊपर नीचे मैक्सिमा मिनिमा लिखा हुआ है। ये ट्यूनर है, ट्यूनर है जिसको किसी भी इलेक्ट्रिकल सोर्स के जरिए ट्यून किया जाता है, या इसको दूसरा नाम है सिग्नल जनरेटर। ये क्या पैदा करता है? सिग्नल्स को जनरेट करता है। अच्छा, जब ये सिग्नल्स को जनरेट करेगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को, तो उसके साथ दो लाउड स्पीकर कनेक्टेड है, एक सिग्नल यहाँ जाएगा, दूसरा सिग्नल यहाँ जाएगा। ये दोनों सिग्नल्स लाउड स्पीकर्स को जब मिलेंगे तो एक साउंड क्रिएट करेंगे, लाउड स्पीकर बिगिन टू ऑसिलेट या वाइब्रेट, उनसे साउंड निकलना शुरू हो जाएगा। तो लाउड स्पीकर साउंड क्रिएट कर रहा है, और जब ये साउंड क्रिएट करेगा तो क्रैश ट्रफ क्रैश, यानी कॉम्प्रेशन रेयरफेक्शन, कॉम्प्रेशन रेयरफेक्शन, हम जानते हैं कि साउंड वेव्स कॉम्प्रेशन और रेयरफेक्शन पर मुश्तमिल होती हैं। दूसरा लाउड स्पीकर भी यही काम कर रहा है, कॉम्प्रेशन रेयरफेक्शन की सूरत में साउंड वेव्स क्रिएट कर रहा है। मेरा आपसे पहला सवाल है, हमने पिछली वीडियो में तफसील से बात की है, क्या ये दोनों लाउड स्पीकर से पैदा होने वाली साउंड वेव्स फेज कोहेरेंस में है या नहीं? किसमें? फेज कोहेरेंस में है या नहीं, बस ये बता दीजिए। या भूल गए? भूल गए? फेज कोहेरेंस किसे कहते हैं? कि दोनों साउंड वेव्स के क्या एम्पलीट्यूड सेम है? क्या दोनों साउंड वेव्स की फ्रीक्वेंसी सेम है? क्या दोनों के टाइम पीरियड सेम है? क्या दोनों के वेवलेंथ सेम है? तो जवाब है यस, दोनों साउंड वेव जो क्रिएट हुई हैं वो मस्ट बी इन फेज कोहेरेंस। वजह क्या है? सिंगल जनरेटर है, क्या है? सिग्नल जनरेटर है जिसने दोनों को प्रोड्यूस किया है। कौन है? सिग्नल जनरेटर है। अगर चाय बनाने वाली एक ही लेडीज़ हो, एक चूल्हे पर चाय बनाए और दूसरे चूल्हे पर भी चाय वही लेडीज़ बनाए, तो क्या वो फेज़ में होगी चाय की? चाय का जो जायका है वो फेज़ में होगा या नहीं होगा? नहीं हुआ। क्यों? क्या उसने एक में लौंग डाल दी है और एक में लौंग नहीं डाली? नहीं, ऐसा नहीं है। लेडीज़ एक ही है चाय बनाने वाली, तो जो फार्मूला उसने पहले पतीले या चूल्हे पे या चाय पे लगाया, वही फार्मूला दूसरे पे लगाया होगा, तो दोनों जो चाय होंगी क्या होंगी? फेज़ में होगा। अब एक चाय आप बनाए और एक मेहमा बनाए, तो क्या वो दोनों फेज़ में होंगी? नहीं, क्योंकि आपका तरीक़ेकार कुछ और होगा, उनका कुछ और होगा। अच्छा, बड़ी दिलचस्प बात है। इंटरेस्टिंग बात क्या है? देखिए, चाय एक ही होती है, ज़माने में पी जाती है, लेकिन अगर मुख्तलिफ अफराद उसको बनाएं तो उनका टेस्ट खुद ब खुद क्या हो जाता है? मुख्तलिफ हो जाता है। बिरयानी पकाई है, हर जगह बिरयानी का फार्मूला एक ही होता है, बम्बई बिरयानी इस तरह हो गई, फार्मूला एक ही होता है, लेकिन मुख्तलिफ हैंड जब उसको पकाते हैं तो जायके में क्या आ जाता है? चेंज आ जाता है, फ़र्क। ये कुदरत की बात है, नहीं समझा, नेचुरल चीज़ है कि चेंज खुद ब खुद आ जाता है। और किन के हाथ में जायका रखा है अल्लाह ताला ने, यह भी मैं आपको एक पॉइंट की बात बता दूँ, जो मैन है उनके हाथ में है या वीमेंस के हाथ में रखा है जाएगा, पता है आपको?
खाना अगर वीमेंस बनाए और मेन बनाए तो टेस्टी खाना किसका होगा? हाँ, ये तहकीक है भाई, सर्वे है इस पर, कि जो मेन बनाएंगे, जो मर्द हजरात खाना पकाते हैं, वो जायकेदार होता है किसके मुकाबले में? लेडीज़ के मुकाबले में। और इट इज़ फैक्ट। ये क्या है? ये फैक्ट है। यही वजह है कि उनकी बनाने उनकी तादाद बहुत कम होती है। खैर कहीं और चले गए हम लोग, कहाँ बात कर रहे थे? फेस कोहेरेंस पर बात कर रहे थे कि ये साउंड वेव्स जो क्रिएट हुई हैं, क्या ये फेज में होंगी? तो जवाब है यस, क्योंकि इनको पैदा करने वाला एक ही है ट्यूनर। ठीक ना, अगर ये दो मुख्तलिफ ट्यूनर होते ना तो फिर ये फेज में कभी भी नहीं होती साउंड वेव्स। लेकिन ट्यूनर एक है, सिग्नल जनरेटर एक है, लिहाजा दोनों से सेम साउंड उसने क्रिएट किया है यकीनन। तो ठीक है, इनमें क्या होगा? फेस कोहेरेंस होगा। अब ये दोनों साउंड वेव्स यहाँ इनमें मुलाकात होगी। आपको नज़र आ रही है ये जो वेव्स नज़र आ रही है, इनमें क्या होगा? इंटरफेरेंस का अमल होगा। ये दोनों साउंड वेव्स सुपर पोज होंगी। जब सुपर पोज होंगी तो ये सामने इंटेंसिटी, समझ लें कि हमारे पास स्क्रीन है, इसको क्या नाम दे दें? एक तरह का स्क्रीन या रीजन का नाम दे दें, इलाका है जहाँ पर इनके दरमियान जो इंटेंस जो इंटरफेरेंस होगा उस फेनोमेना को आप देखेंगे या सुनेंगे। हाँ, इसको देखा जाएगा या सुना जाएगा? तो साउंड को सुना जाता है, देखा? आपने कभी साउंड देखी? आवाज़ तो कोई देख ही नहीं सकता, नहीं समझे बात को? आवाज़ को देखा नहीं जा सकता और रोशनी को सुना नहीं जा सकता। क्या बात है, आवाज़ को देख नहीं सकते और रोशनी को सुन नहीं सकते, उसको देखते हैं रोशनी को लाइट, लेकिन है दोनों वेव्स, साउंड भी वेव्स हैं और लाइट भी वेव्स हैं। लिहाजा जब आप लाइट में इंटरफेरेंस करेंगे तो देखेंगे स्क्रीन के ऊपर, ब्राइट बैंड डार्क बैंड, ब्राइट बैंड डार्क बैंड। और जब आप साउंड के दरमियान इंटरफेरेंस करेंगे तो देखेंगे नहीं, सुनेंगे। देख सकते हो बात को, कहीं इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, कहीं इंटेंसिटी, जहाँ इंटेंसिटी बढ़ गई वहाँ कौन सा इंटरफेरेंस है? कंस्ट्रक्टिव। और जहाँ इंटेंसिटी कम हो गई वहाँ कौन सा है? कंस्ट्रक्टिव का मतलब मैक्सिमा और डिस्ट्रक्टिव का मतलब मिनिमा। तो मैक्सिमा मैक्सिमा और मिनिमा। अच्छा देखें, आप एक बात और कर लें कि ये जो दो लाउड स्पीकर हैं इनके दरमियान डिस्टेंस अमूमन इन जनरल 0.5 मीटर लिया गया है। कितना है? अच्छा, यहाँ से लेके इस सिग्नल जनरेटर यानी सिस्टम से लेकर जहाँ पे वो रीजन जहाँ पे आप इंटर, जहाँ आपके कान मौजूद हैं, यहाँ पे एयर मौजूद है, एक लड़का भी बना हुआ था यहाँ पे, जगह नहीं बनना, वो भी बना देते जो इंटरफेरेंस को सुन रहा था, साउंड वेव्स इंटरफेरेंस को ऑब्जर्व कर रहा था। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है डेट इज़ 2 मीटर। कितना लिया गया? 2 मीटर। और उसके बाद ये जो आपको रीजन नज़र आ रहा है जहाँ पे इंटरफेरेंस आपको सुनाई देगा लाउड की सूरत में, लाउड इंटेंसिटी के बढ़ जाने की सूरत में, इंटेंसिटी के कम हो जाने की सूरत में, यहाँ पर ये जो रीजन है तकरीबन कितने मीटर में सुनाई देगा आपको? 0.2 मीटर। इस रेंज के अंदर अगर आपके कान होंगे तो वो इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव को सुनेंगे, नहीं समझे बात को? अगर 0.2 मीटर से ऊपर चले गए या नीचे आ गए तो फिर ऑब्जर्वेशन ही होगी, ये भी शर्त है, याद रखिएगा। ओके ठीक, अब देखें यहाँ पे क्या हो रहा है। जब ये दोनों साउंड वेव्स यहाँ पे मुलाकात कर रहे हैं तो सेंटर पे मैक्सिमा होगा, यानी यहाँ कॉम्प्रेशन कॉम्प्रेशन के ऊपर गिर रहा है। क्या हो रहा है? तवज्जो रहे, कॉम्प्रेशन कॉम्प्रेशन पे गिर रहा है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड बढ़ जाएगा, इसको हमने मैक्सिमा का नाम दिया। अच्छा, जहाँ मैक्सिमा होगा उसके ऊपर और उसके नीचे मिनिमा होगा। क्या होगा? यानी मैक्सिमा के ऊपर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा मिनिमा, और उसके नीचे भी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो यहाँ भी डिस्ट्रक्टिव, यहाँ पे भी डिस्ट्रक्टिव, फिर मिनिमा से ऊपर क्या होगा? मैक्सिमा। यानी हर मैक्सिमा दो मिनिमा के बीच में होगा और हर मिनिमा दो मैक्सिमा के बीच में होगा। ये बात ध्यान रखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, कि पहले फर्ज कर लें यहाँ से स्टार्ट करते हैं, आपको इंटेंसिटी तेज सुनाई दी कंस्ट्रक्टिव, उसके बाद इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी डिस्ट्रक्टिव, फिर इंटेंसिटी बढ़ जाएगी कंस्ट्रक्टिव, फिर इंटेंसिटी कम हो जाएगी। तो जो मामला ऊपर होगा वही मामला नीचे की तरफ होगा, समझ रहे हैं बात को? ऐसा हो ही नहीं सकता। हटा दें, हटा दें, हाँ, क्या बात कर रहे थे हम लोग? मैक्सिमा और मिनिमा की बात कर रहे थे। ऐसा हो नहीं सकता कि दो मैक्सिमा एक साथ हो सकते हैं? क्या दो मिनिमा एक साथ हो सकते? क्यों नहीं हो सकते? दो अच्छाइयों के बीच में एक बुराई होगी और दो बुराइयों के बीच में एक, अगर दोनों अच्छाइयाँ होंगी तो फ़र्क नहीं होगा, या दोनों बुराइयाँ एक साथ हैं तब भी फ़र्क, दो नेकियाँ एक साथ होंगी तो फ़र्क नहीं होगा। नेकी का फ़र्क किसके साथ होता है? बदी के साथ होता है। दो बदियों के बीच में एक नेकी होगी या दो नेकियों के बीच में एक बदी होगी, नहीं समझे बात को? तो ये कुछ ऐसे ही मामला है यहाँ पे, बिला तशबीह बिला मिसाल, कि दो मैक्सिमा के बीच में मिनिमा होगा या दो मिनिमा के बीच में
मैक्सिमा होगा, वरना तो फ़र्क समझ में ही नहीं आएगा आपको। एक ही इंटेंसिटी मैक्सिमा की सुनाई देगी, मिनिमा की सुनाई नहीं देगी, तो फिर तो इंटरफेरेंस ही नहीं हुआ। नहीं समझे बात को? तो याद रखिएगा, हमेशा जो पैटर्न होगा इंटरफेरेंस का, वो मैक्सिमा और मिनिमा अल्टरनेट पीरियोडिक होगा, अल्टरनेट तरीके से चलेंगे, मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा, ऊपर नीचे। तो आपने देखा कि किस तरह साउंड वेव्स के दरमियान इंटरफेरेंस फेनोमेना हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब किसी के जहन में कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। नहीं, माशाल्लाह सब ज़हीन है। किसी के जहन में कोई क्वेश्चन नहीं है? मेहमा, आपके जहन में कोई क्वेश्चन आ रहा है किसी हवाले से? नहीं आ रहा। ये बताइए, फासला 2 मीटर क्यों रखा गया है? 2 मीटर से ज़्यादा रख देंगे तो क्या होगा? सुनाई नहीं, इंटरफेरेंस का अमल होगा नहीं। इज दैट क्लियर? तो इंटरफेरेंस को ऑब्जर्व करने के लिए जितनी भी शराइत है सब पे अमल करना पड़ेगा, उसके बगैर इंटरफेरेंस नहीं हो सकता। तो इसलिए डिस्टेंसेस की बड़ी अहमियत याद रखिएगा। इनके दरमियान डिस्टेंस को 0.5 है, इंटरफेरेंस पैटर्न जो है आपका 0.2 मीटर के अंदर अंदर सुनाई देगा। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। ओके, ठीक है। तो ये बात इस तजर्बे से रोज़े रोशन की तरह वाजे हो गई कि साउंड वेव्स में इंटरफेरेंस होता है। इज दैट क्लियर? इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। और इसे एक चीज़ और भी साबित हुई, साउंड वेव्स के दरमियान इंटरफेरेंस होता है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात अचानक याद आ गई, इसको कहते हैं आमद। क्या कहते हैं उर्दू में? आमद। क्या आप कोई बात कर रहे हैं, उस बात के दौरान कोई और बात सामने आ गई या कोई और मिसाल जहन में आ गई? क्या? चलो चलो।